यूपी विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी को झटके पर झटके लग रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अभी जयंत चौधरी के साथ गठबंधन के टिकट बंटवारे को निपटा भी नहीं पाए थे कि एक नया बखेड़ा शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ एक और अपना दल कमेरावादी के साथ सीटों को लेकर नाराजगी शुरू हो गई है। बात इतनी बढ़ चुकी है कि समाजवादी पार्टी और अपना दल के गठबंधन के बीच दरारों की खबरें हैं। बताया जा रहा है कि अपना दल और समाजवादी पार्टी के बीच प्रयागराज और वाराणसी सीट को लेकर विवाद हुआ। इस विवाद के बाद अपना दल ने समाजवादी पार्टी को अपनी सीटें लौटा दी हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने अपने सहयोगी दल अपना दल कमेरावादी के साथ सीटों के बंटवारे में 18 विधानसभा सीटें दी थी, लेकिन अब ताजा विवाद के बाद मामला बिगड़ चुका है और ओबीसी सीटों की आस में बैठी समाजवादी पार्टी के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है। गौरतलब है कि सोनेलाल पटेल द्वारा बनाई गई अपना दल पार्टी के दो धड़े हैं। एक धड़ा अनुप्रिया पटेल के साथ है और उसका गठबंधन भाजपा के साथ है। वहीं एक धड़ा अनुप्रिया पटेल की मां और सोनेलाल पटेल की पत्नी कृष्णा पटेल का है, जिसका गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ है और इसे अपना दल कमेरावादी के नाम से जाना जाता है। वहीं कुछ दिनों पहले अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने कहा था कि विधानसभा सीटों की प्रथम चरण की पहली लिस्ट तैयार कर ली गई है, इन पर जल्द ही प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा था कि वाराणसी की रोहनिया, पिंडरा, मिर्जापुर की मड़िहान, जौनपुर की मड़ियाहू, सोनभद्र की घेरावल, प्रतापगढ़ सदर और इलाहाबाद पश्चिम की जल्द ही उम्मीदवार उतारे जाने की तैयारी है। पार्टी इनमें से कुछ सीटों पर 2017 का चुनाव लड़ी थी, लेकिन पार्टी के दूसरे धड़े के साथ विवाद की वजह से अपना दल के प्रत्याशी निर्दल हो गए थे, लेकिन इस बार पार्टी अपना दल कमेरावादी के रूप में पंजीकृत है। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी छोटे दलों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी ने अपना दल कमेरावादी को 1.5 दर्जन सीटें देने का फैसला किया था, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं उससे अखिलेश के लिए एक बड़ी समस्या पैदा हो सकती है, क्योंकि वो लगातार गठबंधन के साथ टिकट बंटवारे के विवाद में फंसते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।